बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ आज अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के बोधगया के प्राचीन विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में घुसने पर बवाल मच गया। बीजेपी और मंदिर प्रशासन दोनों ने कार्रवाई की बात कही है। बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर पोस्टर में साफ लिखा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन फिर भी इस्माइल मंसूरी प्रवेश कर गए। गर्भगृह के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंसूरी खड़े होने के सबूत के तौर पर वीडियो और तस्वीरें भी सामने आईं। बीजेपी ने कहा है कि विष्णुपद मंदिर में इस तरह से मुस्लिम नेताओं के प्रवेश ने हिंदू भावनाओं को आहत किया है। अच्छे से जानते हैं कि विष्णुपद मंदिर में किसी भी गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक है, लेकिन जानबूझ करके नीतीश कुमार ने हिंदुओं को मजाक उड़ाने के लिए, हिंदुओं की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए इसराइल मंसूरी के साथ वह मंदिर के भीतर प्रवेश किए। पंडों ने विरोध किया तो उसकी भी बात नहीं सुनी गई। और सबसे दुखद बात यह है कि यह एक पूरी एक साजिश का हिस्सा है और नीतीश कुमार उस साजिश के भाग हैं। पहले भी वह अपने उच्च पदस्थ अफसरों से हिंदुओं के खिलाफ लगातार काम कराते रहे, पर यह उनका हिंदुत्व पर आखिरी चोट था। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहूंगा कि क्या वह काबा में जाएंगे, क्या वह मक्का मदीना जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि इसराइल मंसूरी जी जो गए हैं वो प्रभारी मंत्री हैं और प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ चले गए, और ये कहना कि मुस्लिम में हिंदू नहीं जाएगा, हिंदू में मुस्लिम नहीं जाएगा, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। विष्णुपद मंदिर में आने को लेकर इसराइल मंसूरी ने कहा है कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें इस मंदिर में आने का मौका मिला, लेकिन जो खुलासे हुए हैं वह बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वह मंदिर में तो आए थे, गर्भगृह तक भी गए थे, लेकिन ना तो उन्होंने पूजा अर्चना की ना ही प्रसाद ग्रहण किया। और यही बात अब यहाँ पर मंदिर से जुड़े लोगों को काफी आहत करती है। उनका कहना है कि मंत्री जी केवल दिखावे के लिए इस मंदिर में आए थे और ऐसे मंत्री को सरकार के द्वारा तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और पंकज कुमार के साथ रोहित सिंह, विष्णुपद मंदिर गया आज तक।